क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, जिसको ईएमआई बोलते हैं, ईएमआई सिंपल शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। लिखिए पहले डेफिनेशन, इसी करते हैं कि होता क्या है। तो लिखो, इट इज ए फिनोमिना टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट by changing the magnetic flux। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड यूज किया गया अभी क्लास, मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी हम फ्लक्स की बात करते हैं, क्या करते हैं कि कितना लाइंस क्रॉस कर रही हैं, कितने एरिया से भी, कौन सी लाइन, लाइन ऑफ फोर्सेज बोल सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू फील्ड, इलेक्ट्रिक है कि मैग्नेटिक है, फर्क नहीं पड़ता, कर लोगे। तो लिख लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पॉइंट से भी। आपसे क्वेश्चन किया हो गया होगा यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर कि हाउ मेनी लाइन्स प्रोड्यूस बाय वन कॉलम ऑफ चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस बाय वन कॉलम ऑफ चार्ज। जब भी हम नंबर ऑफ लाइन्स की बात करते हैं, हम क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। आपने गॉस लॉ पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के अंदर, गॉस लॉ यह था कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वी। ये एक्चुअल में फ्लक्स ही तो है। ये क्या देगा आपको, नंबर ऑफ लाइन तो देगा आपको, ये चार्ज कितना दे रखा है, वन कॉलम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, आंसर हो गया मेरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या देगा, नंबर ऑफ लाइन्स देगा भाई। तो एक कॉलम चार्ज कितना लाइन प्रोड्यूस करेगा, पुटिंग द वैल्यूज, आंसर हो जाएगा। देखिए, ये आपकी नंबर ऑफ लाइंस हैं भी, जो पैरेलल लाइंस दिखाते हैं ये किसके लिए है कि मेरा फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मैंने ये बना लिया कि ये कोई एरिया है जिससे लाइन क्रॉस कर रही हैं। एरिया को ऐसे लेता हूँ, एक लाइन यहाँ से निकाल लेते हैं, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये स्मॉल एरिया ले लेता हूँ यहाँ पे, छोटा सा, इट इज डी एस, यस और नो? आपको पता है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है भी, फिर भी हम फील्ड में इसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है वेक्टर्स में, इट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर्स भी। एरिया वेक्टर क्या होता है, ये बोर्ड एक एरिया है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शंस। जो लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट गिव द एरिया वेक्टर्स। क्या देगा आपको ये, एरिया वेक्टर। तो मेरा हाथ एरिया है अभी, तो इसकी लाइन ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ पे हो जाएगी, एक यहाँ पे हो जाएगी, मर्जी कौन सी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एरिया एक्चुअल ऐसा है भाई, इससे लाइन्स क्रॉस कर रही हैं, कर लोगे? और मैंने ऐसे नहीं दिखाई कि इसमें तो सिंपल है कि मैक्सिमम लाइन्स क्रॉस करेंगे, इसमें एक भी नहीं करेगी। तो एक एग्जाम्पल है उनके बीच का कि दोनों के आंसर हो जाएंगे इसमें कंप्लीट। ये लाइन है ऐसे अभी, यहाँ से लाइन क्रॉस कर रही है कुछ एंगल बना के, कितना एंगल बना रहा है, किसके साथ, एरिया वेक्टर के साथ। ये है, ये एरिया वेक्टर है इसका, लाइन ऐसे जा रही है, ये सर नो, कोई तो एंगल बनाएंगी, इट इज एंगल थीटा भी, कर लोगे? क्या इस मैग्नेटिक फील्ड को रिजोल्व कर सकता हूँ, इस तरफ कौन सा आएगा, बी कोस थीटा, और इस तरफ बिल्कुल परपेंडिकुलर, इट इज बी साइन थीटा। आप ढंग से ऑब्जर्व करो एक पेज को ऐसे, इस कैसे कोई लाइन क्रॉस कर सकती है, इसको भी नहीं कर पाएंगे, बी वाला फैक्टर है ही नहीं। हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ लाइंस कितना क्रॉस करेंगी, तो कौन सा कंपोनेंट ही शो करता है इसको लाइन क्रॉसिंग करने के लिए, बी कोस थीटा ही शो करता है, यस और नो? स्मॉल एरिया तो फ्लक्स भी स्मॉल हो सकता है, तो डी फाई क्या ले लेते हैं, इतना हो गया, डायग्राम बनाओ एक बार इसका। लेट डी फाइव इज द स्मॉल फ्लक्स, ओके, तो डी फाइव क्या होगा भाई, कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है इसके लिए, डीएस एरिया के लिए, बी कोस थीटा,
और इनटू एरिया भाई, स्मॉल एरिया कितना यूज कर रहा हूँ, डीएस, ठीक है। तो डी फाइव को ऐसे लिखा जा सकता है, डी फाइव इज इक्वल टू बी डी एस कोस थीटा, ये सर नो। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डीएसवी हमने माना है कि क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है स्मॉल एरिया के लिए भी, कर लोगे, इट इज एरिया वेक्टर्स। तो इसको इन टर्म ऑफ वेक्टर लिख सकता हूं, डी फाइव इज इक्वल टू बी डॉट डी एस डॉट ऑफ एनी टू वेक्टर गिव द कोस भी, ओके। और ये पता होना चाहिए डॉट ऑफ एनी टू वेक्टर गिव स्केलर क्वांटिटी भी, तो फर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यस और नो। ये तो छोटा था फर्क था, अभी पूरा एरिया निकालना मेरे को, तो इस पर कितने लाइंस क्रॉस करेंगे, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए टोटल फ्लक्स कितना होगा भाई, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज फाइव, तो इंटीग्रेशन डी फाइव लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा जाता है विद क्लोज पाथ भी, कि फ्लक्स में ऐसा क्लोज पाथ के लिए होता है, ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स नहीं निकाला जाता कभी भी, कर लोगे। हाँ, उसके निकालने का तरीका जरूर है, हमने पढ़ा था कि अगर आपका सरफेस ओपन हो तो आप क्लोज सरफेस इमेजिन कर लीजिए, इट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, याद है कि नहीं है, वो अलग तरीके निकालने के, लेकिन मोस्टली किसके लिए होता है, ये क्लोज सरफेस के लिए होता है। कर पाओगे, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, थीटा की वैल्यू जीरो हो तो फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, बी सॉरी फाइव इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको लिखता हूँ बी इंटू एरिया भी पूरा, डी एस को पूरा सोल्व करने के बाद एरिया तो निकलेगा, ये सर नो। और कॉस कितना हो गया, जीरो, कॉस जीरो मैक्सिमम भाई, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम, तो फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू एरिया भी, बी इंटू एरिया, ये सर नो। इसका मीनिंग बताओ मेरे को भाई, बच्चे सर इसको याद करते हैं भाई, आपने एक टॉपिक पढ़ा था यूनिट नंबर थ्री के अंदर, टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल्स भी, जो कि प्रिंसिपल था मूविंग कॉइल का भी, उसमें बहुत बड़े हर बार बच्चे गलतियां करते हैं उस टॉपिक के अंदर, क्योंकि समझ में नहीं आता कि एंगल कौन सा यूज किया जा रहा है अभी, थीटा कहाँ लग, कभी लगता है उनको कि जब जीरो हो जाएगा फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, कैसे हो जाएगी फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम जीरो होने से, फ्लक्स मैक्सिमम मतलब क्या, नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉस करेंगे उसमें से, मीनिंग क्या है, ये लाइन ऐसे जा रही है, मेरा एरिया कहाँ पे होना चाहिए, ये लाइन ऐसे जा रही है, मेरी अंगुली लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मेरा एरिया कैसे हो, ये एरिया है ये ऐसे, ये तुम्हें लग रहा है ऐसे, जीरो के गुण कैसे होना चाहिए, पैरेलल हो गया जीरो के अकॉर्डिंग, तो पैरेलल ही तो है रिया, तो मैक्सिमम कैसे हो गया, 90 पे होगा, तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, नो क्या हो गया, देखो ये दिक्कत तुमको पता नहीं चल रहा कि एंगल किसके बीच का भी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के साथ भी, जितनी बार मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पॉइंटों को, ये जो एंगल है ये एरिया बीच में नहीं है, क्लास ध्यान रखिए इस बात को, एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है भाई वाला, इट इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वैक्टर्स, नॉट एन एरिया भी। अगर आप ये लाइन है ऐसे, मेरा एरिया ये है, ये एरिया है, कितना एंगल है, एरिया वैक्टर ऐसा होगा इसका, इट इज 90 डिग्री, तो एक भी नहीं पास करेगी, ये ऐसे होगा, तो इसका एरिया वैक्टर इस तरफ है या इस तरफ है, तब हो सकता है कि जीरो एंगल से। याद रखिए एंगल इज नॉट बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर्स भी, बहुत बड़ी गलती करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस टाइम में क्या वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये एक्चुअल में एरिया ऐसे हो चुका है, ऐसे इस कंडीशन में मैक्सिमम लाइन से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, कर पाओगे, yes, उसके बाद केस टू करते हैं अभी, केस टू हाई, थीटा कितना भाई, 90 डिग्री कर लेते हैं, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, कॉस 90 कितना होगा, जीरो, 90 मतलब ऐसे होना चाहिए अभी, ये लाइन ऐसे हैं, तो ये एरिया वेक्टर होगा अभी, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, समझ में आया कि नहीं आया अभी, कर पाओगे, 180 पे करूंगा तो 180 पे मैक्सिमम की मिनिमम, कॉस 180 माइनस वन होता है, मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम, क्यों डायरेक्शन होती नहीं है इसकी भाई, क्या करोगे, वो भी मैक्सिमम भाई, ऐसे हो या ऐसे हो फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, भी
क्योंकि इट इज स्केलर क्वांटिटी में. यस और नो? आपकी इस एरिया से लाइन ऐसे क्रॉस करें, ऐसे क्रॉस करें, क्या फर्क पड़ता है इसको भाई? नंबर मैक्सिमम लाइन क्रॉस करनी चाहिए भाई. तो 180 पे भी मैक्सिमम होगा भाई. कर पाओगे? ये जीरो पे मिनिमम है भाई, न कि आप 180 पे डाल दो कि माइनस का आंसर आ रहा है. माइनस होता है नहीं यहाँ पे. कर लोगे? क्योंकि डायरेक्शन होते नहीं हमारे यहाँ पे भी. कर पाओगे? तो 180 पे भी की वैल्यू है मैक्सिमम. दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स. एनी प्रॉब्लम भाई? लिखिए क्लास, लिखो SI unit of magnetic flux इज वेबर भी. फ्लक्स क्या था क्लास? फ्लक्स था बी इंटू एरिया. लिख सकता हूँ सिंपल, बी इंटू एरिया. तो ये होती है वेबर भी. ये SI किया सकते हैं टेस्ला, वन टेस्ला. एरिया कितना? 1 meter square. तो डिफाइन कर सकते हो 1 वेबर को? यस सर नो? क्या करोगे? 1 वेबर इज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ 1 tesla क्रॉसिंग 1 meter square एरिया वे. यस सर नो? करो डिफाइन. देख लीजिए, 1 वेबर इज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स. 1 वेबर इज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस When magnetic field line of 1 tesla crossing the 1 meter square area crossing the 1 meter square area. Okay. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा था डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, हम इसको याद ही नहीं करते. देख लीजिए डायमेंशन फार्मूला निकाल के दिखाओ इसका भाई. डायमेंशन फार्मूला ऑफ फ्लक्स भी, मैग्नेटिक फ्लक्स. आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? अगर याद नहीं तो इस फार्मूले से निकाल सकते हो. अपने याद होना चाहिए फार्मूला, F इज इक्वल टू QVB. पहली बार यही आता, यहाँ पर भी आया था पहली बार. 3A का पहला टॉपिक है ये. यस सर नो? एंगल का यूज नहीं करते, इनटू साइन थीटा भी होता भाई. QVB साइन थीटा, याद है कि नहीं है? क्या यहाँ से बी निकाल सकते हो? तो क्या आएगा? F बाई क्यू वी. और फ्लक्स के अंदर क्या होता है? 5 is equal to B into area. तो फ्लक्स बी का क्या ले सकते हैं? F क्यू वी into area. यस सर नो? डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स, M1 L1 T-2 एरिया L2 इंटू चार्ज का AT. यस सर नो? वेलोसिटी L1 T-1 L1 T-1. यस सर नो? एम कितना हो गया भाई? M1 हो गया ना. L कितने हैं? L3 हो गया. एक L नीचे है तो L2 हो गया. T कितने हैं? T-2, एक ऊपर चला जाएगा. सर ये कट गए? T-2 और A-1, यही है. चेक करते हैं इसको एक बार. अभी फैराडे एक्सपेरिमेंट्स भी. फैराडे ने 2 एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर, क्या निकालने के लिए, क्या प्रूव करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके हम करंट बना सकते हैं अभी. यस सर नो? देखिए इसने क्या किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया अभी, इसने कॉयल यूज किया अभी. कॉयल क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? वायर होते हैं. वायर को ही बोलते हैं कॉयल में. बस मोड़ दिया ऐसे स्प्रिंग की तरह भी. कर लोगे? कॉयल यूज किए और इस कॉयल के यहाँ पे लगा दिया एक जी. जी क्या होता है? गैल्वेनोमीटर भी. ओके प्रॉब्लम क्या है? ना कोई बैटरी है ना कुछ, तो जी का रेटिंग कितना? कभी जी देखा है? गैल्वेनोमीटर देखा हो तो ये बीच में 0 होता है उसके. यहाँ पे हर एमीटर में, वर्ल्ड मीटर में 0 यहाँ शुरू होती है अभी. यूनिट नंबर 3 में पढ़ा होगा हाउ वी कन्वर्ट जी इनटू एमीटर एंड वर्ल्ड मीटर भी. यस सर नो? तो उसकी रीडिंग्स हमेशा यहाँ पे होती है, सुई यहाँ पे होती है. इसको बोलते हैं 0 deflections भी. ये इधर देगा तो करंट की वैल्यू 0 होगी भी. उसके बाद यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे जाएगा डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है अभी. कर लोगे? तो ये जुड़ा हुआ जी के साथ भी. जी द गैल्वेनोमीटर्स विच गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट भी.
कर लोगे? और इसने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, सिंपल बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ पोल के साथ, और इसने इस मैग्नेट की तरफ लेके, मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके गया भैया ऐसे। क्या ऑब्जर्वेशन आया कि जी से और डिफ्लेक्शन से, बट इट इज टेम्परेरी भी, एक बार सुई हिली और आप इस काम पे चले गई, जीरो पे चले गई। ओके, फिर इसको दूर लेके गया ऐसे, अगेन जी से और डिफ्लेक्शन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर सुई ऐसे चली गई होगी फिर वापिस, फिर सुई ऐसे चली गई फिर वापिस, वो भी क्या थी, टेम्परेरी डिफ्लेक्शन थी। यस सर नो? तो इसने चुंबक को रोक दिया, इट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। यस सर नो? सुई गायब रही, जीरो पे रही। फिर स्पीड से घुमाया, उतना ही करंट की वैल्यू क्या हुई, ज़्यादा हुई। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्सपेरिमेंट शो कर रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड से कुछ नहीं होता भाई, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से बहुत कुछ होता है भाई। कर लोगे? क्योंकि जब मैंने इसको रोका ना, चुंबक को रोका, तब भी फील्ड था यहाँ पे, बट इसकी वैल्यू कितनी थी, करंट की वैल्यू जीरो थी। कर पाओगे? इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंप्लीट? डायग्राम बनाइएगा, दोनों दिखा दीजिएगा ऐसे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट डालिएगा, इसको मैं कॉइल ले लेता हूँ ए भाई। लिखिए वी हैव ए कॉइल ए, वी हैव ए कॉइल ए कनेक्टेड विद, कनेक्टेड विद ए गैल्वेनोमीटर। वी हैव ए कॉइल ए कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर विथ शो जीरो डिफ्लेक्शन, विथ शो जीरो डिफ्लेक्शन, जो क्या शो करता है, जीरो, क्योंकि बैटरी को जोड़े रखी हम लोगों ने यहाँ पे भी तक, करंट की वैल्यू जीरो है भाई। यस और नो? विथ शो जीरो डिफ्लेक्शन। आगे लिखिए, पहला पॉइंट डालिए इसमें अभी, फर्स्ट पॉइंट के पॉइंट में करते हैं इस पॉइंट टॉपिक को। पहला पॉइंट, वैन वी मूव द मैग्नेट, वैन वी मूव द मैग्नेट टुवार्ड्स द क्वाइल, वैन वी मूव द मैग्नेट टुवार्ड्स द क्वाइल, देन जी शो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन भी, जी शो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन। ये एक्सपेरिमेंट क्यों हम क्या करें पता आपको, ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, क्यों हो रहा है ये नहीं बता रहा आपको मैं, क्यों हो रहा है ये। कर लोगे? जब आपने इसको नज़दीक लेके क्या ऑब्जर्वेशन आई, इसने डिफ्लेक्शन शो किया बट इट इज़ टेम्परेरी भी, वापस जीरो पे आ गई सुई घूम के भी। कर लोगे? आगे लेके सेकेंड पॉइंट भी, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है इनकी, वैन वी मूव द मैग्नेट, वैन वी मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द क्वाइल, वैन वी मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द क्वाइल, अगेन जी शो, अगेन जी शो अवे फ्रॉम द क्वाइल, देन जी शो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन, जी शो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, टेम्परेरी डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यस और नो? यानी एक बार अगर इस तरफ सुई, ये नीडल्स इस तरफ गई होगी इसकी, तो दूसरी बार यहाँ पर गई होगी। ये मैंने मतलब क्या बात है, यहाँ से क्या पता चल रहा है मेरे को, डायरेक्शन चेंज कर रहा है करंट भी। यस और नो? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डालिएगा, व्हेन मैग्नेट, व्हेन मैग्नेट इज एट रेस्ट, मैग्नेट इज एट रेस्ट, देन जी शो जीरो डिफ्लेक्शन, जी शो जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब सुई कहाँ पे चली जाएगी, उसकी जीरो पे चली जाएगी, जी शो जीरो डिफ्लेक्शन, हिलेगी नहीं रोकने के बाद भी। कर लोगे? किया भी, एक वाइल ये रहा ऐसे, इसने जोड़ा इसको जी के साथ भी, अगेन कॉइल ए मान लेते हैं, इसने एक कॉइल और यूज किया भी, इसने जोड़ा इसको बैटरी के साथ भी विद ए की, कॉइल बी। ओके, इस एक्सपेरिमेंट क्या होगा, देखियो इनिशियली मेरा स्विच ऑफ, अभी
कीज ओपन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कोई करंट है? इसमें तो है ही नहीं, इसमें वैसे भी नहीं है। तो जी क्या सेव करेगा? जीरो सेव करेगा। यस और नो? फिर इसने क्या किया, की को क्लोज कर दिया अभी, तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है भाई, ये डीसी है। यस और नो? तो जी सेव है टेम्परेरी डिफ्लेक्शन। जी ने क्या सेव किया? टेम्परेरी डिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों हुआ? जो करंट है ना वो वेरी करता है क्लास, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू की तरफ है। अगर आपकी बैटरी के अंदर 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, इनिशियली जीरो था, तो डायरेक्ट जीरो से 5 एम्पीयर नहीं मारेगा भाई, तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। आफ्टर दैट ये क्या हो जाएगा? सैचुरेशन बोलते हैं कि कॉन्स्टेंट ग्राफ देगा आपको। जब ये करंट चेंज हो रहा है यहाँ से मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड बदलना मतलब फ्लक्स चेंज होना, फ्लक्स चेंज होगा इसके अराउंड। दोनों कॉइल को एक साथ रखा गया है, इसमें फ्लक्स चेंज होने से क्या बन रहा है? करंट बन रहा है अभी। यस और नो? और क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए है, एकदम से करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। चेंज तो हो रहा है बट एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम के बाद कोई फील्ड चेंज नहीं होगा, फील्ड फिक्स हो गया है, फ्लक्स की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, फ्लक्स चेंज हो चुका है, फिक्स हो चुका है, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वापस जीरो पे आ जाएगी। कर लोगे? लिख लीजिएगा पहला पॉइंट डायग्राम बना के। डायग्राम बना लिया? लिखो फर्स्ट पॉइंट, व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन देन जी शो जीरो डिफ्लेक्शन, जी शो जीरो डिफ्लेक्शन। समझ में आई? क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता इन टॉपिक्स के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ कि है हो गया, उसके बाद ये टॉपिक आने वाला कुछ है नहीं, किसी वो नहीं है कि एग्जाम में आने वाले हैं टॉपिक्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट डालिए, व्हेन की इज क्लोज, व्हेन की इज क्लोज देन करंट चेंज फ्रॉम, करंट चेंज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, करंट चेंज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड इन द क्वाइल बी एंड ए, इन द क्वाइल बी एंड ए। दोनों में होगा भाई, क्योंकि दोनों एक साथ रखी गई हैं। कर लोगे? सो जी सो जी सो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन भी, सो जी सो टेम्परेरी डिफ्लेक्शन। ये थे भी एक्सपेरिमेंट जो किसने किए थे? फैराडे ने किए थे भी। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई लिख दूं? फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी। फर्स्ट लॉ लिखिए, लिखिए इन्होंने, चलो ठीक है कोई नहीं। व्हेन, पहला रहा है व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड LINKD लिंक्ड विद द क्वाइल, लिंक्ड विद द क्वाइल इज चेंज, लिंक्ड विद द क्वाइल इज चेंज्ड देन करंट इज प्रोड्यूस, करंट इज प्रोड्यूस इन द क्वाइल, करंट इज प्रोड्यूस इन द क्वाइल, दिस करंट इज कॉल्ड, दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF भी। EMF सुना है नाम कभी? क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। होता क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या भाई?
पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज नॉट वर्किंग भी बोला जा सकता है, या सेल द्वारा किया गया वो काम जो करंट को मेंटेन रखता है। यस सर नो, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इज वर्क डन भी। ये क्या है? वर्क डन है, डब्ल्यू वी इन टू क्यू। याद है कि नहीं है? फर्स्ट मिनट में ये वो काम है भाई जो बैटरी करती है करंट को मेंटेन करने के लिए इन द सर्किट्स भी, लगातार करंट बना रही है। वो काम कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ईएमएफ बोलते हैं। कर लोगे? या वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे सेल काम ही नहीं कर रहा है, सीधी सी बात ये है, ओपन सर्किट में इसको बोलते हैं हम लोग। आपकी बैटरी पर लिखा होता 1.5, इट इज ईएमएफ। यूज करने के बाद इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कोई पूछ ले पोटेंशियल डिफरेंस में ईएमएफ में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस हैं, बट ईएमएफ मैक्सिमम है, वो यूज्ड है भाई, मैक्सिमम से कम है उसकी वैल्यूज। कर लोगे? समझ में आया? दोनों ही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है भाई, क्लास कर लोगे? तो फर्स्ट ला क्या बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी या करंट बनेगा बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स भी। यस और नो? सेकेंड पॉइंट डालिएगा, सेकेंड ला इसका भी, सेकेंड ला। अब कैसे बनेगा लिख लीजिए, लिखिए द मैग्नेटिक, सॉरी लिखिए सेकेंड ला लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आया? याद रखिए इस यूनिट के अंदर इंड्यूस करंट को, इंड्यूस ईएमएफ को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, इसी में लिखते हैं 3/4 ए में, उसके बाद ऑब्वियस मेरे लिए करंट आई है ईएमएफ ई लिखते हैं हम लोग। हमने ईएमएफ को ई लिखा था वहाँ पे यूनिट नंबर सेकंड में, यहाँ पे स्मॉल ई से लिखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े ई से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, लेकिन एक्चुअल नोटेशन ये होती है इनकी भी, ई इज नॉट चार्ज बट इट इज फॉर ईएमएफ। यस और नो? क्या लिखवाया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सही है, बाय टाइम। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सही है। अब मान लेते हैं कि फ्लक्स कुछ तो होगा भाई, इनिशियल और फाइनल कुछ चेंज हुआ तो फाई वन क्या मान लेता हूँ? फाई वन क्या है? इनिशियल फ्लक्स है भाई, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, सही है। फाई टू क्या है? फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज कितना हुआ? सिंपल निकालते हैं, ये साइन अभी नहीं निकालेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट बोला गया है। चेंज कितना हुआ? फाई टू माइनस फाई वन बाई टाइम भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं टी को टाइम, टी को सी टी लिख रहा हूँ। टी टू माइनस टी वन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका टाइम टी टू मान लो, या टी इसका टाइम जीरो मान लो, इसका टी मान लो, तो टी माइनस जीरो कर दीजिएगा। यस सर नो? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्लस ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, ये मीनिंग होता है एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ का, तो डेरिवेटिव को ही बोलते हैं। यस सर नो? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस साइन को टाइएगा भाई, कॉन्स्टेंट डालना पड़ेगा। E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के डी फाई बाई डी टी, और कॉन्स्टेंट के का वैल्यू है भाई 1, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है 1। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्लास? E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, दिस इक्वेशन गिव बाई फैराडे भी, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, सही है। कर लोगे? लिखिए क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है लेंज ला भी, लिखिए लेंज ला गिव द, लेंज ला गिव द डायरेक्शन ऑफ, लेंज ला गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, लेंज ला गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट।
लिखो क्या बोल रहा है ला. इट स्टेट दैट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इट स्टेट दैट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन सच ए वे दैट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज अपोज इट्स प्रोडक्शन इट ऑलवेज अपोज इट्स प्रोडक्शन हमेशा क्या करेगा अपनी ही प्रोडक्शन को क्या करेगा अपोज करेगा भी. यानी करंट इस तरह से बनेगा कि जिससे बना है ना उसी को अपोज करेगा भी वो. इट ऑलवेज अपोज इट्स प्रोडक्शन. ये लेंज ने ऑब्जर्व किया भी इसमें और लेंज ने टॉपिक दिया इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी. फैराडे में इन्होंने माइनस ऐड कर दिया अभी फैराडे लॉज के अंदर कि नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट बन रहा है वो इस तरह से बन रहा होगा कि अपनी प्रोडक्शन को क्या करेगा अपोज करेगा अभी. यस और नो. इसने इस पर एक्सपेरिमेंट जो किया था उसी एक्सपेरिमेंट पर हम दोबारा कर रहे हैं. कौन सा एक्सपेरिमेंट था? यस कॉइल वाला. अब ध्यान से देखते हैं भी. इसने जब क्या किया कि मैग्नेट को नजदीक लेके आए तो इसमें इंड्यूस करंट बना. यस और नो. वो इस तरीके से बनेगा कि अपनी ही प्रोडक्शन का पोज करेगा. करंट किससे बना भाई? मैग्नेट को इस तरफ लेके आने से. यस और नो. तो ये मैग्नेट के इस तरफ आने से रोकेगा इस मैग्नेट को भाई. यस और नो. तो कैसे रोक सकती है मैग्नेट इस तरह से कि ये नॉर्थ की तरफ बिहेव कर रहा हो तो ये साउथ हो जाएगा. इसको समझने का बेस्ट तरीका ये है कि मेरे पास एक कॉइल है ऐसा. मैं इसकी तरफ एक मैग्नेट लेके आ रहा हूँ ऐसे नॉर्थ साउथ. आपने एक रूल पढ़ा होगा क्लॉक फेज रूल भी पढ़ा है. यस सर. नो. कि अगर करंट क्लॉक वाइज में फ्लो करता है इट बिहेव लाइक साउथ पोल भी ऐसे भी. दिस फेज बिहेव लाइक ए साउथ पोल. अगर करंट ऐसे फ्लो करता है एंटी क्लॉक वाइज में इट बिहेव लाइक नॉर्थ पोल. यस और नो. इमेजिन करो कड़ा लीजिए कोई कड़ा है देना भी एक. ये मेटेलिक क्वाइल है भाई. इसकी तरफ मैं मैगनेट लेके आऊं ऐसे तो इस क्वाइल में इस तरह से करंट बनेगा कि अपनी ही प्रोडक्शन क्या करेगा ये अपोज करेगा. यानी अगर ये नॉर्थ पोल लेके आ रहा हूं तो ये सेक्शन पूरा नॉर्थ पोल बन जाएगा. तो नॉर्थ पोल अगर बनेगा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा इसका भी? इस कंडीशन के लिए एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. तो मेरे को मिल्क डायरेक्शन ऑफ करंट भाई. करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे कैसे फ्लो करेगा? ये ऐसे मान लीजिए ये एंटी क्लॉक वाइज है भाई. तो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा होगा. यस और नो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंटी क्लॉक वाइज में है. अब इसको तो दूर लेके गए. इसने क्या ऑब्जर्व किया? अगेन इंड्यूस करंट इस तरह से बना कि अपनी प्रोडक्शन को क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था. अभी अपोज कैसे हो सकता है नॉर्थ पोल ऐसे? सो खींच रहा हूँ इस तरफ भाई. यस और नो. तो ये क्या बन जाए? साउथ पोल बन जाए. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि नॉर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है लेके जा रहे हैं इसको ऐसा कोई खींच रहा है तो साउथ बनेगा. तो डायरेक्शन करंट क्या होगा? क्लॉक वाइज हो जाएगा. तो हर एक रोटेशन के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी. तो इसने क्या दिया आपको? डायरेक्शन ऑफ करंट दिया. कर लोगे डायग्राम ये वाला बनाना है आपको. दोबारा लिखिए क्लास. लिखिए व्हेन वी मूव द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. व्हेन वी मूव नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द क्वाइल towards the coil, then face A ले दूँ. ये A है भाई. Face A of the coil, face A of the coil behave like north pole. समझ में आ रहा है? A face जो है वो किस तरह बिहेव कर रहा था? North pole की तरह, क्योंकि इसको पोज करना है इसको. कर लोगे? सो करंट फ्लो इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन. ये बात सही है? सो करंट फ्लो इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन
हो गया। आगे लिखिए व्हेन वी मूव द मैग्नेट, व्हेन वी मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, व्हेन वी मूव द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल देन फेज फेस ए, फेस ए बिहेव लाइक साउथ पोल, फेस ए बिहेव लाइक साउथ पोल। किस तरह बिहेव कर रहा होगा? साउथ पोल की तरह। फिर से अपोज किया जाएगा इसकी मोशन को, यस और नो? सो करंट फ्लो इन द क्वाइल, सो करंट फ्लो इन द क्वाइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी, करंट फ्लो इन द क्वाइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया? यस भी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इससे यस और नो? तो फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन या थंब सॉरी ओके, एंड सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट भाई, किसकी डायरेक्शन देगा? इंड्यूस करंट। लिख लीजिए क्या होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लिखिए स्ट्रेच, स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लास याद रखिए इस पोजीशन को चेंज नहीं करना भाई, ये तीनों उंगलियां दूसरे क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। आप कलाई की मोशन को चेंज कर सकते हो, इसको नहीं चेंज करना भाई। तीनों के दूसरे क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए, कंडीशन है उसकी, पहले वाले की भी इसके वाले की भी। कर लोगे? देन फर्स्ट फिंगर गिव द, फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थंब गिव द, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स। ओके एंड सेंट्रल फिंगर गिव द, सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट,